तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में सीबीआई ने शुक्रवार को इस मामले की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को समन भेजा और पूछताछ की। रिया से सीबीआई की पूछताछ तकरीबन 10 घंटों तक चली, जिस दौरान उनसे इस मामले से जुड़े तमाम सवाल किए गए। शनिवार को भी सीबीआई इस मामले में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। सुशांत के कुक रहे नीरज और उनके साथ एक अन्य शख्स अभी अभी डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचा। नीरज के साथ आए दूसरे शख्स ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, जिसके चलते उसे पहचाना नहीं जा सका। सीबीआई के 6 अधिकारियों और मुंबई पुलिस के 3 अधिकारियों के पहुंचने के बाद अब सैमुअल मिरांडा भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं। संभव है कि आज सीबीआई मुंबई पुलिस की मौजूदगी में रिया और सभी संदिग्धों को एक साथ बुलाकर पूछताछ करेगी। सीबीआई के अधिकारियों के डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचने के कुछ ही देर बाद मुंबई पुलिस की एक गाड़ी भी वहां पहुंच चुकी थी। गाड़ी के डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचते वक्त उसमें 3 अधिकारी सवार थे। माना जा रहा है कि सीबीआई मुंबई पुलिस को मौजूदगी में कुछ सवालों के जवाब रिया चक्रवर्ती से पूछेगी। सीबीआई के 3 और अधिकारी डीआरडीओ के दफ्तर पहुंच चुके हैं। अब कुल मिलाकर 6 अधिकारी डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। रिया भी जल्द ही यहां पहुंच सकती हैं, जिसके बाद पूछताछ शुरू की जाएगी। रिया चक्रवर्ती के दूसरे दिन पूछताछ किए जाने की संभावनाएं प्रबल होती नजर आ रही हैं। हाल ही में सीबीआई के 3 अधिकारी डीआरडीओ ऑफिस पहुंचे हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि जल्द ही रिया चक्रवर्ती को दोबारा बुलाकर आज पूछताछ करेगी। शुक्रवार को रिया से तकरीबन 10 घंटे तक सीबीआई ने पूछताछ की है। एक तरफ रिया से सीबीआई पूछताछ कर रही है, दूसरी तरफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा ने कहा कि सुशांत केस में शुरुआती जांच शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि अभी हमें जांच करने का समय दें। बता दें कि एनसीबी सुशांत केस में ड्रग्स के एंगल पर जांच कर रही है। कभी भी एनसीबी की तरफ से रिया को समन भेजा जा सकता है। शुक्रवार को सीबीआई की 3 टीमों ने रिया से पूछताछ की है। पहली टीम नीरज, सिद्धार्थ पठानी, सैमुअल मिरांडा से पूछताछ कर रही थी, जबकि दूसरी टीम ने रिया से पूछताछ की। वहीं तीसरी टीम ने रिया के भाई शोविक को ग्रिल किया। रिया के अलावा ज्यादातर लोग इस मामले में संदिग्ध या विटनेस हैं। रिया क्योंकि इस मामले की मुख्य आरोपी है, इसलिए उन्हें बुलाने से पहले सीबीआई ने गहराई से इस मामले की जांच की है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।